Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss about the semaphores. Semaphores क्या होते हैं और इन्हें क्यों use किया जाता है, इसके बारे में आज हम discuss करते हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि semaphores का use कहाँ पर किया जाता है. तो semaphores का जो initial use है, use तो ये कई जगह किया जाता है, लेकिन सबसे जो initial use है जो हम इस आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम इसका यूज़ कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में. और क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हर प्रोसेस का एक क्रिटिकल सेक्शन होता है जिसमें शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, तो एक बार में हम क्या करते हैं, एक ही प्रोसेस को अलाउ करते हैं कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाकर शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करें. क्योंकि अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस अगर अपने हम क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, तो हमारा इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होता है. तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इससे पहले हमने कुछ मेथड पढ़े थे जिनमें हमारी पीटरसन एल्गोरिथम थी, डेकर्स एल्गोरिथम थी और बेकरी एल्गोरिथम थी. आज हम एक और मेथड यूज़ करें जो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है, वो हमारा क्या है, सीमाफोर. सीमाफोर अपने आप में कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, इट इज़ ओनली ए इंटीजर वेरिएबल. ये क्या होता है, एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू ये डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा या नहीं करेगा. तो सीमाफोर इज ए इंटीजर वेरिएबल विच यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्सेज. ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि कौन सा प्रोसेस यूज कर पाएगा शेयर्ड रिसोर्सेज को. और क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, एक बार में एक को अलाउ कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन टूल. इट इज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल विच यूज टू डील विद द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. ठीक, जब भी कोई प्रोसेस, व्हेन ए प्रोसेस वांट टू एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्सेज विद इन द क्रिटिकल सेक्शन, जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, इट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द सीमाफोर फर्स्ट. उसको पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सीमाफोर से परमिशन लेनी पड़ेगी. यानी सीमाफोर एक तरीके से डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में और कौन से प्रोसेस वेट करेंगे. ठीक है, इसके लिए क्या कर रहा है, सीमाफोर्स कैन ओनली बी एक्सेस बाई यूजिंग टू एटॉमिक ऑपरेशंस. यानी जब भी सीमाफोर्स को हम एक्सेस करना पड़ेगा तो उसके लिए दो हम क्या यूज़ करेंगे, एटॉमिक ऑपरेशंस यूज करेंगे, वेट ऑपरेशन और सिग्नल ऑपरेशन. वेट एस और सिग्नल एस, जहाँ पर जो एस है इसका मतलब क्या है, एस का मतलब है सीमाफोर वेरिएबल. ठीक, अब ये वेट का मतलब क्या है और ये सीमाफोर का मतलब क्या है, ये देख लेते हैं. ठीक, पहले देखते हैं वेट क्या होता है, फिर देखेंगे सिग्नल क्या होता है. वेट एक्चुअली जो सीमाफोर में यूज किया था, वेट एस, यहां पर एस क्या, सीमाफोर वेरिएबल. वेट इसलिए यूज किया जाता है कि इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इसके जितने भी प्रोसेस हैं, हर प्रोसेस अपना अपना वेट चलाएगा ऑपरेशन, हर प्रोसेस अपना कौन सा चलाएगा, वेट ऑपरेशन चलाएगा. ठीक है, जिसमें से जिसको ये सीमाफोर पहले मिल जाएगा, सीमाफोर का इंटीजर वेरिएबल जो प्रोसेस पहले एक्सेस करके इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर देगा, हर प्रोसेस अपना क्या करेगा, वेट ऑपरेशन चलाएगा. यानी कि वेट सीमाफोर के हेल्प से ऑपरेशन चलाएगा, लेकिन माइक्रो मिली या नैनो सेकंड में कोई एक ऐसा प्रोसेस होगा जो पहले इसको क्या कर पाएगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा ऑपरेशन को. जिसने पहले एग्जीक्यूट कर लिया उसको ही परमिशन मिल जाएगी. कैसे परमिशन मिलेगी, ये आप देखिए. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीमाफोर क्या चेक कर रहा है, वाइल एस लेस देन इक्वल टू जीरो. सबसे पहले वेट के अंदर क्या चेक किया जा रहा है, क्या सीमाफोर की वैल्यू जीरो या नेगेटिव तो नहीं है, क्या सीमाफोर की वैल्यू जीरो या नेगेटिव तो नहीं है. अगर है तो ये काम करेगा ही नहीं, सीमाफोर उस प्रोसेस के लिए काम नहीं करेगा. आगे देखिए क्या लगा हुआ है, सेमीकॉल. यानी अगर किसी प्रोसेस को सीमाफोर की वैल्यू मिलती है और वो वैल्यू क्या मिलती है, जीरो या नेगेटिव मिलती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है. वैल्यू उसके लिए कम मैटर करेगी जब उसकी वैल्यू वन या उससे ज्यादा हो. वन या उससे ज्यादा होगी तो मैटर है, अदरवाइज कोई भी यूजलेस है उसके लिए. ठीक, अब मान लो ठीक है वैल्यू उसकी क्या है, मान लीजिए वन है, तो ये क्या करेगा, एस इक्वल टू एस माइनस वन. ये वाली जो लाइन है एस इक्वल टू एस माइनस वन, ये कब एग्जीक्यूट होगी, जब s की वैल्यू 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम. s की वैल्यू 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 या नेगेटिव होगी तो ये काम नहीं करती है.
यानी वेट वाला ऑपरेशन क्या कहता है कि जिसके पास, ठीक है, जिसके पास एस की वैल्यू अगर जीरो या माइनस है वो उसके लिए तो ये काम करेगा ही नहीं करेगा, और बाकी सबके लिए क्या करेगा, ये काम करेगा, बाकी सबके लिए काम करेगा और एस की वैल्यू का क्या कर देगा, एक माइनस कर देगा। ठीक है, तो वेट जो एटॉमिक ऑपरेशन है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम एक प्रोसेस को तो अलाउ करेंगे और बाकी सारे प्रोसेस को क्या कर देंगे, वेट करने के लिए बोल देंगे। ये जो पूरा ऑपरेशन है इसकी हेल्प से क्या होगा, एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और बाकी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर ही वेट करेंगे। ठीक है, और जब ये प्रोसेस कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में जाके अपना काम कर लेता है तो उसके बाद वो किसको यूज करता है, सिग्नल को, सिग्नल यूज करता है। भाई मान लीजिए एस की वैल्यू 1 थी, चेक किया क्या एस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये वाली लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी तो एस की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। जैसे ही 0 हुई इसकी वैल्यू, तुरंत क्या हुआ, बाकी जितने भी प्रोसेस हैं वो तो यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो एस को यूज करने की कोशिश करेंगे और उनके आगे सेमीकोलन लगा मिलेगा। ठीक है, तो जिसको भी एस की वैल्यू 1 या उससे ज्यादा मिलेगी उसी के लिए काम कर रहा होगा। लेकिन क्रिटिकल सेक्शन वाले केस में, जो अभी हम क्रिटिकल सेक्शन के एल्गोरिथम बताने जा रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ए को ही अलाउ करना है क्रिटिकल सेक्शन में, इसलिए हम एस की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। सीमा फोर्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन वाले केस में क्योंकि हमें एन प्रोसेस में से सिर्फ एक प्रोसेस को अलाउ करना है तो इसलिए सीमा फोर की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, अब ये सिग्नल क्या करता है, सिग्नल क्या करता है, सिर्फ एस की वैल्यू जो एक कम हो गई थी यहां पर वेट में, उसको फिर से क्या कर देता है, 1 बढ़ा देता है। यानी वेट का क्या काम है, एस की वैल्यू को 1 घटाना, और सिग्नल का क्या काम है, एस की वैल्यू को 1 बढ़ाना, सिर्फ ये काम है। वेट का मतलब रोकना और सिग्नल का मतलब अलाउ करना, कैसे वो देख लेते हैं। मान लीजिए हम एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, अब किसके लिए, अगर आपसे कहे कि सीमाफोर बताइए अगर एन प्रॉब्लम क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन के लिए, अभी तक हमने कौन सी एल्गोरिथम पढ़ी थी, पीटरसन एल्गोरिथम, डेकर्स एल्गोरिथम और बेकरी एल्गोरिथम पढ़ी थी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अब हम देखते हैं कि सीमाफोर की हेल्प से हम इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने सीमाफोर इंटीरियर वेरिएबल एस लिया और उसकी वैल्यू क्या लिया आपने, 1 क्यों ली, मैंने आपको बता दिया, सीमाफोर की वैल्यू 1 इसलिए ली क्योंकि हमें एक प्रोसेस को ही अलाउ करना है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। ठीक है, तो एस की वैल्यू 1 ली। अब ये जो प्रोसेस पीआई है उसका ये कोड है, जैसे प्रोसेस पीआई का ये कोड है ऐसे जितने भी बाकी एन प्रोसेस होंगे उनका भी क्या होगा, सेम कोड होगा, सभी यही कोड चला रहे होंगे प्रोसेस। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि इनमें से ये जो पहली वाली लाइन है वेट एस, इसको कौन एग्जीक्यूट कर पाएगा, जिसको भी माइक्रो या मिली सेकेंड पहले जो इस लाइन को एग्जीक्यूट कर लेगा, यानी जिसको भी एस की वैल्यू पहले मिल जाएगी वही क्या करेगा, उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। मान ली सबसे पहले मिल गया प्रोसेस पीआई को तो क्या होगा, वेट एस करेगा। ठीक, वेट एस जैसे ही चली लाइन, तो चलने का मतलब क्या है, क्या चेक करेगा इसके अंदर, ये व्हाइल एस लेस देन इक्वल टू 0, क्या एस की वैल्यू लेस देन या 0 है, नहीं, एस की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो ये लाइन तो चलेगी नहीं। अगर एस की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 होती तो ये आगे बढ़ता ही नहीं, आगे जाता ही नहीं नीचे, लेकिन हमारी एस की वैल्यू क्या है, 1, तो ये कंडीशन तो अप्लाई हुई नहीं यहाँ पर, तो ये आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा तो एस की वैल्यू क्या कर दी इसने, एस इक्वल टू एस माइनस 1। ठीक, एस की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो क्या हो गया, 1 माइनस 1 0, यानी इसने जाने से पहले एस की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। पहले जैसे ही इसका वेट एस एग्जीक्यूट हुआ, एस की वैल्यू इसने क्या कर दी, 0 कर दी। ठीक, 0 करने के बाद एस इक्वल टू एस माइनस 1 ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में गया और वहां जाके अपना काम किया। अब आप कहेंगे कि बाकी प्रोसेस क्या कर रहे होंगे, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले एस की वैल्यू किसको मिल गई, इस प्रोसेस को मिल गई, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, बाकी प्रोसेस क्यों नहीं जा पाए, तो मान लो दूसरा प्रोसेस पीजे लिखा हुआ है, उसने भी अब ये लाइन एग्जीक्यूट की, क्या वेट, हर प्रोसेस जो बाकी प्रोसेस है वो भी यही लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन हमने क्या बताया, माइक्रो मिली या नैनो सेकंड में इसने पहले एग्जीक्यूट कर लिए, तो बाकी को क्या नुकसान हुआ ये देख लेते हैं। इस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की वेट एस, इस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की वेट एस, और एस की वैल्यू क्या हो चुकी है, क्योंकि ये पहले एग्जीक्यूट कर चुका है, तो एस की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब 0। ठीक,
तो जैसे ही ये वेट एस करेगा तो एस की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। तो क्या चलेगी लाइन, वाइल एस लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर एस की वैल्यू जीरो है तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये प्रोसेस यहीं रुक गया, गया ही नहीं क्रिटिकल सेक्शन में। पहला प्रोसेस क्यों चला गया था, क्योंकि एस की वैल्यू वन थी, इसको पहले मिल गया था। ऐसे जितने भी प्रोसेस हैं बाकी, पी जे पी के पी एक्स पी वाई पी जेड, जितने भी ऐसे प्रोसेस होंगे, सबको क्या मिल रही है, एस की वैल्यू जीरो मिल रही है। और जीरो मिल रही है इसलिए आगे काम ही नहीं कर रहा है, आगे सेमी कॉलन लगा हुआ है यहाँ पर वाइल के आगे। तो जब सेमी कॉलन लगा हुआ आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो ये वाली लाइन काम करेगी नहीं, ये वाली लाइन काम नहीं करेगी तो ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं पाएंगे प्रोसेस। तो इसलिए अलाउ किसको हुआ, जिस प्रोसेस ने सबसे पहले एक्वायर कर लिया क्या, ये सेमाफोर, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में इसने अपना काम पूरा किया, और जब इसका काम हो गया उसके बाद ये क्या कर रहा है, सिग्नल एस, यानी इसने फिर से क्या कर दी, सिग्नल एस का मतलब क्या है, जो एस की वैल्यू जीरो हो गई थी वो फिर से इसने क्या कर दी, जीरो प्लस वन वन कर दी, ठीक। और उसके बाद जो अपना बाकी काम है वो इसने रिमाइंडर सेक्शन में किया और बाहर आ गया। एस की वैल्यू अब जैसे ही इसने वन की, इसका मतलब है अब बाकी जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी बाकी प्रोसेस बचे, अब उनमें कंपटीशन शुरू हो जाएगा। क्यों, अब एस की वैल्यू, उसका काम खत्म हो गया, इसने एस की वैल्यू वन कर दी। अब बाकी जितने भी एन माइनस वन प्रोसेस हैं वो आपस में झगड़ेंगे कि किसको पहले अलाउ किया जाए। तो उनमें भी क्या होगा, जिसको एस की वैल्यू अगली बार वन मिल जाएगी सिर्फ वही अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, बाकी जिनको भी एस की वैल्यू जीरो मिलेगी वो सबके सब रुक जाएंगे। तो इससे ये निकल के आता है कंक्लूजन कि अगर एस की वैल्यू जीरो हो गई या एस की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो कोई भी काम नहीं करने देगा सीमाफोर, सबको रोक देगा। काम कब करने देगा, जब उसकी वैल्यू लेस देन जीरो नहीं है या जीरो नहीं है, तो बाकी केसेस में काम करने